हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे सामने आज है मारुति सुजुकी ब्रेजा और ये जो है आपका VXI वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट आपके सामने आप देख सकते हैं खड़ा है। इसमें भी आपको सनरूफ मिलती है। इसकी अगर हम एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये हमको 8.93 लाख, मतलब 9 लाख के आसपास ये आपको एक्सोरूम मिलेगी। अब बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके सिटी का आरटीओ और इंश्योरेंस के हिसाब से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। इस पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड मैं दूंगा। अब इसकी प्राइस को अब सही रखा गया है या ज़्यादा रखा गया है ये आपको डिसाइड करना है। कुल लुक वाइज ये गाड़ी बहुत बेहतरीन है। इसमें आपको सनरूफ मिलती है, एक अंदर आप देख सकते हैं खड़ी है, दूसरे कलर में है, वो भी सेकंड टॉप मॉडल ही है ब्रेजा का, ठीक है। तो अब हम फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एकदम प्लेन प्रोफाइल है और यहाँ पे जो ग्लॉसी फिनिश है ये ब्लैक नहीं है, ग्रे शेड में आप बोल सकते हैं इसको। आगे मारुति सुजुकी का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे ना इसके ग्रिल की, ठीक है। ग्रिल देखिए, आप ग्रिल एक स्ट्रेच में नाडो ग्रे कलर आप कह सकते हैं इसको, एक स्ट्रेच में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिलती है और उसी के बीच में सुजुकी का लोगो है। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रोम का यूज़ किया गया है, आप इस जगह पे देख सकते हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको बम्पर लिप मिलता है, यह बम्पर लिप मिलता है जो नीचे लगने से आपको बताएगा, जो दूसरे कलर में है, ठीक है। आगे सामने यहाँ पे नंबर प्लेट के होल्स हैं, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। ये फ्रंट कैमरा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा शायद देखने को मिल सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं, जी हाँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये एरो पैटर्न है, अब प्रॉपर एरो भी नहीं है, और यहाँ पे ट्विन आपके LED सेटअप है यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको DRL देख सकते हैं। DRL काफ़ी सुंदर लग रही है, ठीक है, DRL आप देख सकते हैं। और सेम दूसरी साइड में आपको सेम तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है, ट्विन LED सेटअप इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक फॉग लैंप मिलेगा जो भी LED है, तो ये भी LED है और वो भी LED है, तो पूरा LED वाला सेटअप इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। साइड प्रोफाइल से अगर हम देखें तो गाड़ी आपको एक बार में ही काफ़ी डायनेमिक लुक देगी, पहले से ज़्यादा बोल्ड और पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव, ये पहले से ज़्यादा देखने को लगती है। डायमंड कट अलॉय आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जो ये रेड वाला वेरियंट है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सनरूफ है, ये एक्चुअली डुअल टोन वेरियंट है, इसमें जो सनरूफ है वो आपको ब्लैक में, सनरूफ कह रहा हूँ, जो ऊपर रूफ है आपको ब्लैक में मिलेगी, नीचे भी आप ब्लैक का ज़्यादा इस्तेमाल देख सकते हैं। ये जो जितना भी है ये सब थोड़ा सा रगड़ है। इसकी क्लैडिंग आप देखिए, व्हील आर्क देखिए, व्हील आर्क काफ़ी बड़ा है जो इसको एग्रेसिव लुक देने में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। अगर आप टायर्स को देखेंगे तो इसमें आपको कहाँ गया इसका साइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 215/60 R16 के टायर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। डायमंड कट अलॉय काफ़ी सुंदर लगता है, सुजुकी का लोगो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसका सस्पेंशन देख सकते हैं, थोड़ी सा मैं इसका वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें, आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बैक प्रोफाइल की। अब बैक प्रोफाइल इसका अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे भी यहाँ पर लिप देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपके 4 पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड का यहाँ पे लोगो है। अब सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है ना, जो पीछे का आपका ये जो ब्रेजा लिखा हुआ है, प्लस ये जो आपका LED सेटअप है पीछे वाली लाइट का, ये सिंगल स्ट्रेच में यहाँ से यहाँ तक आया और ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। रियर वाइपर है आपका, डिफॉगर इसमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्पॉयलर्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। मेन अट्रैक्शन है इसका जो पीछे का LED सेटअप है, आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक का भी यूज़ हुआ है और दोनों LED हैं, ठीक है। यहाँ कोई हेलोजन यूज़ नहीं हुआ है, सेकंड टॉप मॉडल है, डुअल टोन वाला, इसमें LED यूज़ हुआ है। दोस्तों इस तरफ से भी देखिए तो ये काफ़ी एग्रेसिव लुक देता है और काफ़ी इस गाड़ी के जो उसमें एड ऑन कर देता है। ये जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया वो आप देख सकते हैं, जो आपका रियर व्यू मिरर है उसमें आपका ये इंटीग्रेटेड है इंडिकेटर्स, और साथ ही साथ इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो मैं आपको अंदर जब गाड़ी में बैठूंगा तो ऑन करके दिखाऊंगा। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड में ही केवल देखने को मिलेगा, शायद एक बार चेक कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट सेंसर आपको इधर भी मिलता है या केवल ड्राइवर साइड में ही आपको देखने को मिलता है। तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर और को पैसेंजर साइड दोनों साइड में देखने को मिलेगा, पीछे आपको रिक्वेस्ट सेंसर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका फ्यूल लिड,
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बूट की। बूट एक बार खोल के देखते हैं कि बूट हमको कितना देखने को मिलता है। बूट का एग्जैक्ट डायमेंशन मेरे को नहीं पता है, स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर दूंगा। अगर आप बूट में देखेंगे तो आपको इधर लैंप मिल जाएगा, ठीक है, इधर लैंप मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये हुक मिल जाता है ग्रॉसरी वगैरह हैंग करने के लिए। इस तरफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं स्पेयर टायर है, वो भी मेरे ख्याल से 16 इंच का ही है। तो हाँ, आपका स्पेयर टायर भी 16 इंच का ही है। और स्पेस मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा जो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार गाड़ी में बैठ के भी देख लेते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड दोनों साइड देखने को मिलता है। गाड़ी अनलॉक्ड है फिलहाल। अगर आप विंडो देखें, थोड़ा सा मैं इसका ब्राइवो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। विंडो साइड में आप कंट्रोल्स देख सकते हैं, लॉक अनलॉक। और आपकी जो पावर विंडो है वो केवल आपकी ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी सारी मैनुअल है, ठीक है। मैनुअल से मेरा मतलब है कि आपको पूरा यूज़ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक में वन टच है, ठीक है। अब इसको हम बंद कर लेते हैं। तो फिलहाल अब अभी हम कार के अंदर आ गए हैं। कार के अंदर आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक और आपका ये पीछे की विंडोज़ को रोकने के लिए, और आपका ये पावर विंडो चारों हैं, लेकिन आपका जो वन टच अप एंड डाउन है वो केवल ड्राइवर साइड में मिलेगा, बाकी पीछे वाली आपको वन टच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पीकर्स और ट्विटर्स देख सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है, वेंट्स हैं। पहले इस तरफ देख लेते हैं आपको क्या क्या कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पे हड का कंट्रोल मिलता है, आपका इल्यूमिनेशन अप डाउन करने का ऑप्शन है, ट्रैक्शन है, 360 डिग्री कैमरे का है, और ये आपका और ये आपके बीम को अप एंड डाउन करने के लिए आप अपने हिसाब से लेवलर का है, ये लेवलर है, आप इस बीम इससे यूज करके बीम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। यह आपका इग्निशन स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम स्टेयरिंग देखें तो स्टेयरिंग काफी अच्छा है, लेकिन इन्होंने स्टेयरिंग एक साइड में लॉक कर दिया है। जब गाड़ी को ऑन करेंगे तो हम स्टेयरिंग देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिलता है, आप कंट्रोल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपके कुछ कंट्रोल्स इधर हैं, कुछ कंट्रोल्स इधर हैं, इधर आपका लाइट कंट्रोल्स है, और इधर ही आप बात करें तो आपके आपके जो फ्रंट वाइपर्स और रियर वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। आपको एक स्पेशल फोन लेने का, रिसीव करने का, कट करने का, और यहाँ पे वॉइस कमांड देने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, जो काफी अच्छा लग रहा है। अब क्लस्टर देख सकते हैं, क्लस्टर कुछ इस तरह का मिलेगा। अभी मैं आपको गाड़ी को ऑन करके दिखाऊंगा, कोई याद आता है चाबी लेके, तो क्योंकि चाबी मेरे पास नहीं है। इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप देख सकते हैं, इंफोटेनमेंट स्क्रीन कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। साइज के बारे में आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। आपको इसमें IRVM जो है ऑटो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं ऑटो डिमिंग IRVM इसमें आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट जो आपके AC वेंट्स हैं, यहाँ पे आपको ऑटो AC देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और ये आपका एयर मोड सर्कुलेशन मोड चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे USB चार्जर आपको पोर्ट, ये बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए है, चार्जर पोर्ट नहीं है। यहाँ पे आपको शायद वायरलेस मिल जाता है, हाँ ये वायरलेस है, जहाँ पे फोन रखते ही चार्ज होने लगता है, ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ ये आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। इधर आप अगर देखेंगे तो आपको इसमें ग्लव बॉक्स मिलेगा, तो काफी बड़ा है ग्लव बॉक्स, इसमें काफी बड़ा देखने को मिल जाता है। आप डैशबोर्ड का लुक एक बार देख लीजिए, काफी अच्छा है। ये जो पोर्शन है ना, ये देखो, ये सॉफ्ट टच में, लेकिन थोड़ा सा वैसा मटेरियल यूज किया है, लेकिन ठीक है, चलो अच्छा है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल सकती है। यहाँ देखिए आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलेगी उस वाले डोर्स पे भी। अब डोर की बात कर लें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, अब डोर में आपको बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, अब अम्ब्रेला बॉटल होल्डर तो है, अम्ब्रेला होल्डर इसमें नहीं है, तो फिलहाल बॉटल होल्डर से ही काम इसमें चलाना पड़ेगा। अब एक बार ना पीछे चलते हैं, ठीक है। ये सनरूफ वगैरह मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा, आप ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लाइट है जो कि आपको अंदर हेलोजन यूज हुई है, ठीक है। अगर सनरूफ ओपन करना हो तो देखते हैं, अभी नहीं हो क्योंकि इग्निशन ऑन करना पड़ेगा सनरूफ ओपन करने के लिए। तो फिलहाल ये था फ्रंट से। इधर ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, इधर ऑब्वियसली नहीं मिलेगा आपको ग्रैब हैंडल्स। एक बार पीछे चल लेते हैं और पीछे चल के देखते हैं कि हमको जो नीच, मैंने अभी फिलहाल गाड़ी को ना अपने उसके हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है। देखो चलो, मैंने फिलहाल कार को अपने लेग लेंथ के हिसाब से एडजस्ट कर लिया आगे वाली सीट को। पीछे चल के देखेंगे कि कितना स्पेस हमको देखने को मिलता है। गाइस एक बार पीछे चल लेते हैं, चलिए बैक रो में चलते हैं। डोर आप देख सकते हैं 90 डिग्री तो नहीं, लेकिन लगभग 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, जो आपको अंदर हॉप ऑन करने के लिए मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है। काफ़ी वाइड डोर खुलता है, कोई परेशानी नहीं, आप इसमें आराम से घुस के बैठ सकते हैं। फिलहाल गर्मी बहुत है, कार भी बंद है, कोई बात नहीं। अब आप देख सकते हैं कि मैं अंदर बैठा हूँ, मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइट कम है अंदर।
मैंने अपनी जो आगे वाली सीट है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं नी रूम काफ़ी इसमें देखने को मिलता है। आपका इधर ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देख सकते हैं स्लाइडिंग हैंड रेस्ट, आर्म रेस्ट कह सकते हैं इसे, जो स्लाइडिंग है ठीक है, मैं नहीं दिखा पाया था। पीछे आपको एसी के जो वेंट्स मिलेंगे छोटे छोटे हैं लेकिन कामगार हैं। और पीछे आपको दो पोर्ट मिल रहे हैं ठीक है, एक टाइप सी लग रहा है और एक आपका यूएसबी लग रहा है ठीक है, एक टाइप सी और यूएसबी पोर्ट मिल गया है देखने को। दरवाजे में आप देख लो पीछे दरवाजे में ठीक है, आपको यहाँ बॉटल होल्डर मिलता है, अम्ब्रेला होल्डर नहीं है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच क्लोथ्स का यूज़ हुआ हुआ है, और यहाँ पे आपका आपके विंडो कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। तो फिलहाल और पीछे कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है। अगर फ्रंट सीट की बात करें तो यहाँ देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और पीछे की रो में आपको केवल दो ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं दो ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, जेड एक्स आई वेरियंट है इसमें बताया गया है ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये आपका 40-60 ठीक है, 40-60 स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलती है, जो आप चाहें तो ऐसे गिरा सकते हैं ठीक है, आप चाहें तो इसका गिराने का ऑप्शन यहाँ पर है। फिलहाल इसको आप यहाँ ऐसे करके 40-60 मोड में आप देखिए, ये 40-60 मोड में गिर जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हैंडरेस्ट को पूरा पीछे करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, आप बच्चों के ट्रॉली वगैरह इसमें बड़े आराम से बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पीछे आपको यहाँ पे लैंप दिया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ लैंप देने का क्या मतलब है, या हो सकता है सोच रहे हो कि आंखों पे ना लगे, लेकिन मतलब नहीं है, बहुत पीछे है ये लैंप यहाँ का ही होना चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो अंदर बैठे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। खिड़कियाँ थोड़ी सी छोटी हैं, खिड़की थोड़ी सी यहाँ इस लेवल तक होनी चाहिए थी, अगर खिड़की थोड़ी सी और बड़ी होती तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता, लेकिन कुल मिला के अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो इस गाड़ी में ऐसा कुछ क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने वाला नहीं है। अगर आप पीछे से देखें गाड़ी तो काफ़ी अच्छी लगती है ठीक है। वहाँ पे आप कार्बन फाइबर फिनिश देख सकते हैं, दूसरे कलर का है जो ब्राउनिश कलर का है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, हैजार्ड लैंप आप वहाँ देख सकते हैं, एसी के वेंट्स हैं। काफ़ी पीछे से आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक इस गाड़ी में देखने को मिलता है ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। इंक्लाइन नहीं हो सकती है पीछे वाली सीट, 40-60 है। थाई सपोर्ट ठीक है इस सीट में, थोड़ा सा और होता तो अच्छा होता, लेकिन पैर फैलाने के लिए स्पेस मेरे लिए बहुत है ठीक है। आप देखो पैर मैं पूरा आराम से फैला सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही है। अब मैं चाबी मंगवाता हूँ और आपको ना सनरूफ वगैरह और क्लस्टर वगैरह एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, फिर चलते हम लोग। अगर की बात करें तो आप देख सकते हैं छोटी स्लीक आपको ना परेशान करने वाली की मिलती है, और स्मार्ट की आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। लॉक अनलॉक का फीचर है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। ये किस लिए भैया? ये अंदर की है ये। अच्छा समझ गया। ये जो अगर आपको फिजिकल की निकालनी है इमरजेंसी के टाइम में, तो इसको पुश करके आप अपनी फिजिकल की निकाल के गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये आपकी फिजिकल की आपको इसमें इस तरह की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है पहले से काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन किया गया है, जो बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और 360 डिग्री कैमरा इसमें पहली बार इंक्लूड हुआ है ना भैया, और इसी ब्रेजा में, और इसमें सेफ्टी रेटिंग से भी 4 स्टार है। तो ये कार अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो जस्टिफाइड है मेरे ख्याल से। ये जो वेरियंट है ये थोड़ा सा और 5 स्टार तक जा सकता है। 360 डिग्री कैमरा एक बार ऑपरेट करिएगा फिर से बंद करके, तो कुछ इस तरह का व्यू है। सेम आपका जो नई वाली बैलिनो में था, सेम वही वाला व्यू आ रहा है इसमें, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा 360 डिग्री व्यू इसमें आप देखने मिलेगा। क्लस्टर एक बार कर बंद कर दीजिए, मैं उधर से आता हूँ एक सेकंड। तो गाइस इसमें हेड अप डिस्प्ले फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है बलिनों के बाद इसमें है, तो देखते हैं हम कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप बटन देख सकते हैं, वन टच है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और सारे आपके जो रोड डायनेमिक्स हैं, जितने आपकी गाड़ी चलाते समय जितने भी आपको नीचे देखना पड़ता था, वो आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा, सीधा आप उसमें देख सकते हैं। और इसमें आपको केवल ड्राइवर साइड से ही ज़्यादा क्लियरली दिखेगा, साइड से आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो आपको अपनी नज़र बाहर नहीं करनी है, आपको सीधा देख के गाड़ी चलानी, जो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ड्राइविंग करते समय आपको सेफ रखने में बहुत ये हेल्प करेगा। ये केवल शोबाजी वाला फीचर नहीं है, आपको ड्राइविंग करते समय भैया आपकी जान बचा सकता है कुल मिलाकर, आप अगर इसको बड़े बड़े तौर पे देखें तो। सनरूफ इसमें ऐड करी गई है, आपको ये मैन्युअली हटाना पड़ेगा, और उसके बाद ऑपरेट करने के लिए वन टच है, आपको केवल इसको वन टच करना है और ये आपकी फुल सनरूफ खुल जाएगी। फिलहाल बंद कर लो भैया, बारिश होने वाली है। अब ये कितनी बड़ी है ये तो यूज़ करने पे ही पता चलेगा, मेरे ख्याल से केवल एक आदमी निकल पाएगा। आजकल सारी गाड़ियों में इतना ही आ रहा है, एक आदमी से ज़्यादा इसमें नहीं निकल पाता है।
इसको बंद करिए, मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार दिखा रहा था। अब ये इंस्ट्रूमेंट भैया कितने इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें? 9 इंच का होगा ना, और पहले में भी 9 इंच का आता था या पहले छोटा आता था? कम आता, 7। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अभी आप इसमें देख सकते हैं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बीएमडब्ल्यू वाली फील आ रही है इसमें, जो पहले बीएमडब्ल्यू का सेम जो थीम था वो सेम है। अब इसमें एप्पल कारप्ले वगैरह है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग है, फोन रखूंगा तो चार्ज होने लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि मैं उसी फोन से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बाकी इसमें तो आप टच रिस्पांस आप देख ही सकते हैं, काफी अच्छा टच रिस्पांस इसमें मेरे को देखने को मिल रहा है। टच के मामले में काफी अच्छा है, मेरे पास भी सेल्टोस है लेकिन उसका टच रिस्पांस भी इतना तेज नहीं है, इसका टच रिस्पांस काफी अच्छा है। होम पे जाने के लिए है, बाकी आप सारा कुछ इसमें जो बाकी गाड़ियों में होता है, इसमें हाइब्रिड है। अब इसमें पीछे जो हाइब्रिड लिखा है उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनर्जी फ्लो है इसमें, बैटरी अच्छा, माइल्ड हाइब्रिड है, फुल हाइब्रिड है, फुल हाइब्रिड है, मतलब आपका ये जब आप गाड़ी चला रहे होंगे और ब्रेकिंग लेंगे तो आपके पीछे बैटरी भी चार्ज होगी, इसका मतलब होगा ये एवरेज भी बढ़ा के देगी आपको, मेरे ख्याल से 30 से पार बड़े आराम से कर देगी एवरेज, 20-22 तो मेरे ख्याल से पहले ही क्लेम करती थी कंपनी, और ये इस बार 30 से पार कर देगी। तो ये गाड़ी इस समय मतलब अगर आप लेना चाहें तो अच्छी चॉइस है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो हर गाड़ी में कमी रहती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो समय के साथ साथ हम इवॉल्व करते हैं और सीखते हैं और बदलते हैं, लेकिन इस समय जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा हाइब्रिड कार्स का, जो जमाना आने वाला है, स्टेयरिंग आप देख सकते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है, ZXi वेरिएंट है, ये ZXi वहां लिखा है, ZXi प्लस है, टॉप वेरिएंट है, डुअल टोन मैनुअल है, इसमें ऑटोमेटिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लस्टर में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, काफी बढ़िया क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक एसी है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हजार्ड लैंप, एसी के डक्ट है, ये जो कार्बन फाइबर का यूज किया हुआ है ये काफी अच्छा, डुअल टोन इंटीरियर भी है, डुअल क्या ट्रिपल टोन हो गया आपका, ये जो सिल्वर एसेंट है ये भी है और ब्लैक का भी यूज बहुत अच्छे से एग्रेसिवली यूज किया गया है। मेरे को जो सीट्स की बात करूं ना, तो मेरे पास भी 17 लाख की गाड़ी है लेकिन उतना कम्फर्ट मैंने कभी भी, मैं बलिनो में भी बैठा हूं, सीट मेरे को काफी अच्छी लगी मारुति सुजुकी की। लेकिन अगर वही बात करें जो मेरी गाड़ी है उसमें सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है। आपका जो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, जैसा कि आपको महंगी गाड़ियों में मिलता है, ऑब्वियसली सस्ती तो ये भी नहीं है लेकिन फ्लैट बॉटम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा गाइस। तो फिलहाल अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कार से रिलेटेड तो मैं शोरूम का नंबर नीचे दे दूंगा, बिल्कुल आप एक बार आइए, चेकआउट तो करिए गाड़ी यार, देखेंगे तभी तो पता चलेगा आपका। वाइपर्स जो रेन सेंसिंग नहीं है इसमें, रेन सेंसिंग है क्या? ऑटोमेटिक है वाइपर्स है आपके, वाइपर्स ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स है इसमें, तो मतलब बारिश हो रही है तो अपने चालू हो जाना चाहिए ना, अब तक तो ये ऑटो पे करना पड़ेगा। अच्छा, वाइपर्स को हम ऑटो पे कर देंगे तो जैसे ही बारिश की बूंदें सेंसर पे टच होंगी ये अपने आप वाइप होने लगेगा। एसी का थ्रस्ट काफी अच्छा है, यहाँ के कंट्रोल्स काफी अच्छा है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं दिखाना भूल गया, आप इसमें एम्बिएंट लाइटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी। ये कलर चेंजिंग है या सिंगल कलर में है? ये कलर बदल जाता है, एक ही कलर है ना, तो एक ही कलर में अगर ये कलर चेंजिंग होता तो और काफी ज्यादा अच्छा लगता। अब इधर भी देख सकते हैं, इधर दिखाते हैं, ब्लू कलर में जो इंटीरियर के साथ मैच कर रहा है वही है। और ये कहाँ कहाँ है? यही है केवल, नीचे भी रहता है, नीचे आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा, कोई नहीं, या तो हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे होंगे। ये नीचे भी है, नॉर्मली हर गाड़ी में नीचे तो रहता ही है, इधर नहीं रहता, लेकिन इसमें इधर भी है, नीचे भी है, और हो सकता है और कहीं भी हो। फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको कोई क्वेरी हो तो नंबर दे दूंगा मैं, शोरूम पे आइए, गाड़ी को देखिए, पसंद आए तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इंजन बे की, जो छूट गया था। अगर आप इंजन बे देखेंगे तो इसमें सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा। इसमें ऑब्वियसली मेरे ख्याल से 1.5 लीटर का इंजन होगा, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसका लेआउट है, और ये हाइब्रिड है तो बताते हैं अगर हाइब्रिड होने की वजह से आपको ये एवरेज भी ज़्यादा निकाल के देगी। तो ज़्यादा कुछ इंजन में बताने के लिए नहीं है, इंजन बे में स्पेसिफिकेशन वगैरह सारी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, कितना टॉर्क देता है, कितनी बीएचपी देता है, ये सारा स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फिलहाल बारिश हो रही है, इंजन बे को बंद कर दें, मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से गाड़ी ख़राब हो जाए। फिलहाल आप देख लीजिए, सब कुछ अच्छा है।